बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन। इसके लिए हम ले लेंगे ब्रेड। मैंने यहाँ ब्रेड 9 पीसेस लिया है। दूध ले लें 1 कप, पानी 2 गिलास, शक्कर 1 कप फुल, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम ब्रेड के सेट के किनारों को निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने सभी ब्रेड्स के सेट को निकाल लिया है। अब हम इसको बारीक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से इसको बारीक पीस लें। ये देखिए, इस तरह से सभी ब्रेड को अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर इसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। अच्छे से गून लें इसको। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से भिगा लिया है। अब हम इसके राउंड राउंड शेप के गुलाब जामुन बना लेंगे। अब हम हाथ पर लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और इसके हम राउंड राउंड शेप के गुलाब जामुन बना देंगे। इस तरह से सभी गुलाब जामुन को हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी गुलाब जामुन को अच्छे से बना लिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख लिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें ताकि ब्रेड अच्छे अंदर तक पक जाए। अब हम ब्रेड को पलट देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, सभी गुलाब जामुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और शीरे को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम डाल देंगे एक भगोने में 1 कप शक्कर। पानी डाल दें इसी के साथ, इसमें 2 गिलास के करीब, और इसका शीरा बना लें अच्छे से और इसको मिक्स करें और इसको पकने के लिए छोड़ दें इसी तरह से। ये देखिए, जब शीरा इस तरह से पकने लगे तो हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और इसको इसी तरह से हम पकाएंगे। ये देखिए, शीरा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इस गुलाब जामुन को इस शीरे के अंदर और इसको बंद करके रख देंगे और इसके ऊपर बंद कर दें और इसको रख दें इसी तरह से 15 मिनट तक। ये देखिए, गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इसको हम सजा लेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते से। ये थी मेरी आज की रेसिपी ब्रेड के गुलाब जामुन। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।